नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कन्हैया आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो देखिएगा, हम लोग बात कर रहे थे बहुबली समास को लेकर, और आप लोग इस चीज़ को नोट करिएगा कि जो बहुबली समास हमने पढ़ाया है, चार भेद किए हैं, जिसमें से आप एक पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, और समानाधिकरण ये व्यधिकरण है। तो हमने पहले ही आपके तत्पुरुष समास में को दो भेद किए थे, समानाधिकरण और व्यधिकरण। बहुत अच्छे से मैंने बताया था, इसको एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि व्यधिकरण क्या होता है, कि इसमें दोनों पदों की विभक्ति जो होती है वो अलग अलग विभक्तियां होती हैं, उसे हम व्यधिकरण कहते हैं, अलग अलग करना। ओके, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से समझिए कि इसमें क्या होगा। चलिए, बहुत हिचकी आ रही रात में। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका मैं यहां पर ले लेता हूं, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, दोनों में समान विभक्ति कर रहे थे, है ना। तो अब इसमें क्या होता है, चक्रम पाणौ, देखो हो गई ना अलग। तो चक्रम पाणौ यस्य सा, और किसी तीसरे अर्थ का, चक्रम माने चक्र, पाणौ माने हाथ में। तो पाणौ क्या द्विवचन है, प्रथमा व्यक्ति द्विवचन है, और चक्र क्या द्वितीय व्यक्ति एकवचन है। तो दोनों में व्यक्ति क्या हो गई, यहाँ द्वितीय व्यक्ति एकवचन है, यहाँ प्रथमा व्यक्ति द्विवचन है। दोनों में व्यक्तियां क्या हो गई, अलग अलग हो गई। हो गई कि नहीं हो गई, तो यहां पर बहुवरी समास होगा, यह भी कंडीशन लागू होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि यहां अन्य पद की प्रधानता हो, तो वो भी है कि चक्र हाथ में जिसके, ऐसे कौन है, भगवान विष्णु। तो क्या होगा, चक्र पाणि, जब सामूहिक रूप बनाएंगे, पूरा का पूरा बनाएंगे, तो क्या शेष रहेगा, यहां विभक्ति का रूप हो जाएगा, चक्र पाणि हो जाएगा। ठीक है, चक्र पाणि। तो ये किसके हैं, विष्णु भगवान। ठीक है, इस हिसाब से आप याद रखिएगा, समझ में आ रहा है। चलिए अन नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। बीणा पाणो क्या होगा, अब देखो बीणा पाणो ये किसमें है, ये आपकी किसमें है, स्त्रीलिंगवाची है, स्त्रीवाची है। बीणा भाई आप जानते हैं सरस्वती जी की है, तो यहां यस्य नहीं होगा, क्या होगा, यस्या सा। ठीक है, तो यस्या सह बीणा पाणे, बीणा है हाथ में जिसके, ऐसी है सरस्वती देवी, ठीक है, बाग देवी, विद्या की देवी, उपासना करो करो, ठीक है, इसकी हाँ पूजा वूजा किया करो, बुद्धि सही रहे। चलिए इसी प्रकार से आप तो बना लोगे, जैसे आपका धनु पाणौ यस्य सा, धनुष है हाथ में जिसके, ऐसे धनुर्धारी कौन है, धनुष पाणि। और धनुष पाणि जो है क्या कहे जाएंगे, धनुष पाणि। ठीक है, हाँ यहाँ विसर्ग लगा लेना। तो धनुष पाणि क्या कहे जाएंगे, किसको कहा जाता है, श्री राम जी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। पीयूषम, याद रखा करो, पीयूषम पाणौ, सब में विभक्तियां अलग अलग हैं। यस्य सा, आपको समास विग्रह क्यों लिख रहा हूं, आपको याद रहे, बार बार इसको करो। तो पीयूष माने अमृत है जिसके हाथ में, तो पीयूष किसके हाथ में होता है, अमृत है जिसके हाथ में, पीयूष पाणी, ऐसे वैद्य जी डॉक्टर साहब। ठीक है, कहते अरे भगवान आप डॉक्टर, आप तो भगवान हो, या मेरे जो भी व्यक्ति थे, मरीज थे, उनको बचा लिया, आप भगवान हो, कहते ना। तो पीयूष के अमृत, आप आपके हाथ में अमृत है, आपके आपने तो अमृत दे दिया, ठीक है, यही तो कहते हो, तो वही है। पीयूष पाणी में क्या होता है, अमृत, अमृत है हाथ में जिसके, ऐसे वैद्य का बोध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल की दृष्टि से देखते हैं यहां पर अन्य उदाहरण को। जैसे आपकी मृगनयनी, मृगनयनी, मृग जैसे नयन है जिसके, अर्थात स्त्री, या सीता से ले सकते हैं, शूल पाणी, शूल पाणी, शूल पाणी किसे कहेंगे,
सूल है हाथ में जिसके, उसे सूलपाणि कहेंगे। ठीक है, उसके बाद शीतकंठा। ठीक है, तो शीतकंठा नीलमा है जिसके हाथ में, तो उसे कहते हैं शीतकंठा। ठीक है, ये आपके ढूंढ ढूंढ के सारे सारे उदाहरण लाए हैं। चंद्रकांति, चंद्रकांति चंद्रमा जैसी कांति है जिसकी। ठीक है, गदा है हाथ में जिसके, गदा पाणी। ओके, कर लोगे सभी लोग, कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, कर लोगे। चंद्रकांति, ये आपके जो हैं किसके हैं, व्यधिकरण समास के उदाहरण थे। और कौन से? बहुब्री। ठीक है, चलिए ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आपने पिछला नोट कर लिया होगा ये सभी सभी, ओके। हाँ नेक्स्ट आपका ये आप नोट कर लीजिएगा पोस्ट करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। गा नंबर, ये क्या कहता है? व्यतिहार बहुव्रीहि समास। व्यतिहार माने युद्ध करना, जो अब देखिएगा युद्ध लड़ाई आदि का ज्ञान कराने वाले पदों को बहुव्रीहि समास होता है, कि आपको लाठी डंडा लात घूंसा है ना, बाल खींचना इत्यादि, आप लोग घर में करते हो वही चीजें। ठीक है, जो आप घर में करते हो वही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। ओके चलिए, जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से देखिएगा, जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं, बहुत आप लोग करते हो केसेसु, केसेसु पहले, सबसे पहले लड़ाई यहां से स्टार्ट होती है। केसेसु केसेसु गृहीत्या, गृहीत्या गृहीत्वा, केसेसु केसेसु गृहीत्वा इदम्, ये समास विग्रह हुआ। कहा कि केसेसु केसेसु मतलब बालों बालों को गृहीत्वा माने पकड़ करके क्या करना, युद्ध करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, केसा केसु हो जाएगा। ठीक है, केसा केसी बनेगा। अब इसी के अकॉर्डिंग सारे नीचे बनेंगे। ठीक, चलिए मैं लिख देता हूं क्योंकि आपको दिक्कत होगी, इसलिए हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम 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 प्रवृत्तम युद्धम। अब देखिएगा, अगर ये उदाहरण आ जाए, ये आपका विग्रह आ जाए तो भी सही है, ऊपर वाला आ जाए तो भी सही है, तो क्या होगा इसका? तो पहले पद का क्या करो, हस्ता ले लोगे और फिर हस्ता हस्ती। ठीक है, हस्ता हस्ती कि हाथों हाथों से युद्ध में लगे हुए स्टार्ट करना। ठीक है, आगे अब किस में चलेगा? तो चलिए, जब बालों से लड़ाई हो गई नहीं शांति हुई, फिर हाथों से हुई नहीं शांति, रार बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते पहुंच गई लाठी डंडा पर, और जब लाठी डंडा पर पहुंच गई तो दंडश्च दंडश्च, ठीक है, दंडश्च दंडश्च प्रहृत्यम प्रहृत्य इदम युद्धम। अब रार बढ़ती चली गई तो प्रहृत्य माने लगातार निरंतर कहाँ लगे रहे, लाठी डंडे से होना लगा, युद्ध होने लगा, तो दंडा दंडी दंडा दंडी। ठीक है, तो परस्पर आपस में लाठियों से युद्ध को स्टार्ट हो गया। जब लाठियों से युद्ध को स्टार्ट कर दिया तो अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसी का लास्ट भी है और उसको मैं लिख दूं, कुछ लोग लाठियों से लगे रहे तो कुछ लोगों ने क्या किया, लाठी नहीं मिली। ठीक है, तो मुष्टिश्च मुष्टिश्च मुष्टिभिश्च सॉरी एक मिनट जब लाठी डंडा नहीं मिला तो
मोस्ट वेश्या मोस्ट भेष्य प्रहृत्य एदम योद्धम। ठीक है, तो क्या बनेगा? तो इसका मोस्टा मोस्टी। ठीक, तो ये आपके जो उदाहरण है व्यतिहार के, युद्ध के, लड़ाई के, ये नोट कर लो, यहीं से आपका कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहले हुआ ऊपर से स्टार्ट हुआ बालों, फिर नीचे आया हाथों से, नहीं हाथों चला तो डंडा से, और किसी को डंडा मिला तो किसी को नहीं मिला, तो वो भी मुक्का मुक्की करने लगे। ठीक है, तो ये ज़्यादातर देखने को भी मिलता है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। लास्टमा है घात, तुल्य योग बहुव्रीहि समास, समान सा तुलना की जाए, समानता दी जाए। ठीक है, तो वहां क्या होगा? इस समास में सात, देखो सात से अर्थ वाले समास होता है, सह माने सात, आपने सहयुक्ति अप्रदाने सूत्र पढ़ा है, और सह को देखो यहां पर क्या दिया, और क्या दिया, सह को सा हो जाता है। चलिए देख लेते कैसे सह को सा हो जाता है। तो जैसे अर्जुन है ना, सह लो, अर्जुन है ना सह इति क्या बनेगा? थोड़ा आप लोग बनाएंगे, कोशिश करिएगा। मैं उदाहरण को लिखता हूं, भार्या सह इति क्या बनेगा, है ना? हाँ, सकलाभि, सकलाभि सह, या समम कर दीजिएगा सात के योग में इति क्या बनेगा, बनाओगे ना आप लोग, बना लोगे? सीतया सह इति क्या बनेगा, फटाफट बनाइएगा। पुत्रेण सह इति क्या बनेगा, नहीं तो मैं बनाऊंगा ही फिर। ठीक है परिवारेण सह इति। चलिए, हमने अभी कंडीशन ये रखी सह के योग में, तुल्य माने समानता के योग में, सात के योग में सह के स्थान पर सा हो जाता है। तो सह के स्थान पर सा हो जाएगा, मल्टीपल होगा तो बन जाएगा जैसे आपका सार्जुना। ठीक, तो बन जाएगा क्या, सार्जुना सा भार्या, तो सा भार्या। ओके, सा भार्या, सकलम, ठीक, और सीताया सह, तो सीता, सपुत्रा, सपरिवार, परिवार के साथ। तो सात के योग में ये आपका क्या हो रहा है, बहुव्रीहि समास हो रहा है, और तुल्य योग यानी कि सात के योग में। अन्य उदाहरण भी ये बहुत पूछा जाता है, अनुजेन से, अनुजेन से, इसमें आप लोग क्या करते हैं, बहुव्रीहि समास लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सानुजा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सानुजा हो जाएगा। ओके, क्लियर है? आप तो समास विग्रह भी कर लोगे ना, कोई दिक्कत किसी को? सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ नोट में लिख के आगे बढ़ते, कुछ इंपॉर्टेंट हैं। हम जैसा कि आपने द्वंद्व समास में देखे थे, उसी प्रकार से आप यहाँ भी देखोगे, किसमें, बहुव्रीहि समास में। ठीक है, कहाँ कहाँ चीज़ें बदलाव होता है, उन चीज़ों को नोट कर लिया सभी ने, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नोट, इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि आपका, ओके, जैसे आपका मैंने द्वंद्व समास में बताए थे, उसी प्रकार से द्वौ वा, वहाँ च आ रहा था, यहाँ व आएगा, द्वौ वा चत्वारो वा। ठीक,
दो और चार, ओके। इसी प्रकार से अब पहचान क्या, वा की याद रखना, वा किसमें, बहुव्रीहि में, ठीक है। त्रियावा, चत्वारो वा, ठीक है। अच्छा ये दो तीन, दो तीन दो तीन, दो और तीन, एक मिनट, ऊपर वाले में तीन कर लीजिएगा, जो चत्वारो हमने लिख दिया इसमें त्रियो कर लीजिएगा, क्योंकि दो तीन, तीन चार, पाँच छः, ऐसे करके सीक्वेंस है, तो यहाँ होगा त्रियोवा, ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चाहे त्रियो हो चाहे त्रिया हो, विसर्ग का हो जाता, आपने संधि में ही पढ़ा, ठीक है। पंचवा, सटवा, पंचवा सटवा, अब मैं एक बना दूँ इसका, देखो द्वौवा त्रियोवा, इसका क्या बनेगा, द्वित्रा बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, द्वित्रा, दो और तीन, सॉरी दो या तीन, क्या इसकी हिंदी होगी, दो या तीन, ठीक, कहते नहीं दो या तीन थे। उसके बाद त्रियावा चतुरावा, तो क्या होगा, त्रिचतुरा, त्रि चतुरा, ओके, तो त्रिचतुरा हो जाएगा, यह तीन या चार, ठीक है। उसके बाद पंच सठ, तो क्या हो जाए, पंच सा, क्या बनेगा, पंच सा बनेगा, पांच, पांच या छह, ठीक है, क्लियर है। अगला है युवती, जाया, यस्य सा युवती, जाया, यस्य सा, अब युवती है पत्नी जिसकी, सीधी सी बात है, युवती है पत्नी जिसकी, तो क्या होगा, सीत, सीता जान, और पूछा जाता सीता जान में कौन सी है, जिसकी स्त्री सीता है, कहते हैं हमारी जी जो पत्नी है वो बहुत सभ्य है, एकदम सीता माता की तरह है ना, तो वही कहा, जिसकी स्त्री सीता है, जिसकी स्त्री में सीता के गुण हैं, उसे युवती जाया, यशसा सीता जाने, ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा रहा हूं, पठितुम कामम, नोट कर लीजिएगा फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यस्य सा पठितु कामः, जो पढ़ने की इच्छा कर रहा है, जो पढ़ने की इच्छा करने वाला व्यक्ति है, उसे हम कहते हैं पठितु कामः, ओके। उसके बाद ये बहुत पूछा हुआ जाता है, कौन सा, ये वाला, नोट कर लो इसे बहुत माइंड में, अविद्यमानो, अविद्यमानो पुत्रा यस्य सा, क्या हो जाएगा, अपुत्रा, ठीक है, पूछ लेगा अपुत्रा में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, तो यहां पर समास जो प्रकरण है, समास प्रकरण समाप्त, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कारक और विभक्तियों को लेकर, ओके, तो ये आपके समास क्लियर हो गए हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कारक और व्यक्ति को लेकर चर्चा करेंगे, आप लोग पढ़ के आइएगा, समझ में अच्छे से आएगा, थैंक यू सो मच। ये नोट वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ओके। चलिए पीछे का हम लोग देखते हैं इन चीज़ों को किया, ओके, हाँ ठीक है, समझ गए, क्लियर, आगे बढ़ें, चलो ये, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और मस्त रहो यार, क्या दिक्कत, पढ़ने पर ध्यान दो।